वेलकम टू वीकली एनिमे अपडेट्स, जिसमें कि ऑलरेडी एक हफ्ते का डिले लग चुका है, लेकिन इस बार मैं लौट आया हूँ बहुत सारे धमाकेदार एनिमे अपडेट्स के साथ। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे ही एनिमे वीडियोस के लिए। सबसे पहला अपडेट है स्वर्ड आर्ट ऑनलाइन एनिमे की तरफ से। जिन लोगों ने ये एनिमे देखा है उनको पता होगा कि 7 नवंबर 2024 को ठीक 2:55 पर एक इवेंट हुआ था जिसका नाम है गेम क्लियर। रियल लाइफ में भी ठीक इसी मोमेंट पर एनिमे का ये मोमेंट दिखाया जाएगा और पूरे दिन एपिसोड 1 से लेकर 14 तक बैक टू बैक स्ट्रीम किया जाएंगे। ये सब कुछ होने वाला है जापान के अंदर। अगर इंडिया के अंदर ये सब करना चाहते हो तो खुद जियो सिनेमा में जाकर ये सब ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट अपडेट है अटैक ऑन टाइटन द लास्ट अटैक मूवी को लेकर, जो कि जापानीज थिएटर में 8 नवंबर को रिलीज होने वाली है। लेकिन इसी के साथ इसमें न्यू पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाएगा जो कि एनिमे में भी नहीं दिखाया गया था। बाकी उम्मीद करते हैं कि अटैक ऑन टाइटन द लास्ट अटैक मूवी इंडियन थिएटर्स में भी जल्दी रिलीज हो जाए। नेक्स्ट अपडेट है न्यू गोडजिला मूवी को अनाउंस किया गया है और ये अनाउंसमेंट आई है तकाशी यामाजाकी की, जिन्होंने -1 गोडजिला मूवी बनाई थी। नेक्स्ट अपडेट हॉरर मांगा की तरफ से कायाचा इज़न स्कैरी का एनिमे अनाउंसमेंट हो चुकी है। बाकी ओशिनोको मांगा भी 2 चैप्टर्स के साथ खत्म होने वाली है। कमेंट करके बताओ कौन कौन ओशिनोको मांगा पढ़ रहा है। नेक्स्ट अपडेट है हाइकू द डम्पस्टर बैटल मूवी को लेकर, जो कि क्रंचीरोल और नेटफ्लिक्स के अंदर 31 अक्टूबर को रिलीज हो चुकी है। नेक्स्ट है अननोन मेमोरी सीजन 2 के कुछ की विजुअल्स दिखाए गए हैं और ये एनिमे रिलीज होगा January 2025 से। नेक्स्ट अपडेट है स्टाइन्स गेट एनिमे से, जिसका एक गेम अनाउंस हुआ है जिसका नाम है स्टाइन्स गेट ट्रिब्यूट। इसकी स्टोरी बेस्ड होगी 2009 के विजुअल नोवेल और न्यू स्टोरी कंटेंट को भी ऐड किया जाएगा। बाकी ये गेम रिलीज होगी 2025 में। बाकी माय हीरो एकेडमी का फाइनल वॉल्यूम जब रिलीज होगा तो उसमें 60 पेजेस का बोनस कंटेंट दिखाया जाएगा जो कि मांगा चैप्टर में नहीं दिखाया गया था। नेक्स्ट अपडेट है जॉन विक की तरफ से। जब जॉन विक रिटायर हुआ था इससे पहले उसने बहुत सारे इम्पोसिबल टास्क किए थे जिनको हमें एनिमे अडॉप्टेशन के जरिए बताया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट है द एपोथेकरी डायरी के सीजन 2 को लेकर, जो कि लगातार 2 कोर्स तक चलेगा, यानी कि 6 महीने तक हमें इसका सीजन 2 दिखाया जाएगा। अब बात करते हैं टॉप 10 एनिमे ऑफ द वीक की, जिसके अंदर नंबर 1 पर है रीजीरो स्टार्टिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड, नंबर 2 पर है ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर द कॉन्फ्लिक्ट, और आखिर में नंबर 10 पर है नात्सुमे बुक ऑफ फ्रेंड्स सीजन 7। बाकी के एनिमे लिस्ट तुम स्क्रीन पर देख सकते हो और कमेंट करके बताओ कौन कौन से एनिमे को तुम फॉलो कर रहे हो। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। बाय बाय।